हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूट्यूब मंत्रा द साइड आयशा। आज का ये वीडियो है ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर। ट्रेंडिंग टॉपिक आप सभी को पता होगा कि यूट्यूब वीडियोस में कितना इम्पोर्टेंट रोल है प्ले करता है। अगर आप सभी ट्रेंडिंग टॉपिक पर अपनी वीडियोस बना रहे हो तो चांसेस होते हैं कि आप सभी का वीडियो जो है वायरल हो सकता है, आप पर ज्यादा व्यूज आ सकते हैं, आपके चैनल पर एंगेजमेंट रीच बढ़ सकती है। लेकिन इन सभी के बीच में सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार ट्रेंडिंग टॉपिक लाया कहाँ से जाए, कौन से नीश पर कंटेंट बनाया जाए। तो आप सभी को बिल्कुल नहीं सोचना है, आप सभी को मैं सारे आइडिया सारे प्लेटफॉर्म बताऊंगी जिससे आप सभी आसानी से ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक जो है फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन आप सभी को क्या करना है कि इस वीडियो को एंड तक देखना है। साथ ही साथ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करो ताकि आप सभी को YouTube से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए बात करते हैं कि आखिरकार कैसे आप सभी को ट्रेंडिंग टॉपिक सर्च करना है। तो आप सभी को कुछ नहीं करना, ट्रेंडिंग टॉपिक जो है खुद YouTube अपने साइट से आप सभी को देता है सजेशन में कि आप सभी इस पर अपनी वीडियोस बनाओ और अपने वीडियो को वायरल करो। वो कैसे, तो मैं आप सभी को बताऊंगी। आप सभी को इसके लिए डेस्कटॉप की भी जरूरत नहीं है, आप सभी आसानी से फोन पर ही इसे सीख सकते हो। तो ये तो बात हो रही है ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में। अब बात करेंगे वैसे लोगों के बारे में जो अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, अपनी ड्रीम जॉब पाना चाहते हैं। उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक ड्रॉप किया है, वहां जैसे ही आप सभी क्लिक करोगे देखोगे कि आप सभी को 5 दिनों का फ्री डिजिटल मार्केटिंग का डेमो क्लास मिल रहा है। ये सिर्फ डेमो क्लास नहीं है, इसके थ्रू आप सभी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में A to Z सारी नॉलेज ग्रैब कर पाओगे। साथ ही ये भी सीखोगे कि डिजिटल मार्केटिंग से कैसे आप सभी अर्निंग कर सकते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख सकते हो, ऐसी कई चीजें हैं जो आप सभी सीख सकते हो। तो देर नहीं करो, चलो जल्दी जाओ रजिस्टर करो अपने आप को 5 दिनों के फ्री डिजिटल मार्केटिंग के डेमो क्लास के लिए। तो चलिए बात करेंगे कि आखिरकार यूट्यूब अपने साइट से किस तरीके से सजेशन देता है। तो आप सभी को लेकर चलती हूँ डायरेक्ट अपने फोन की स्क्रीन पर। आप सभी इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना कर पाओ। आप सभी को अपना फोन ऑन करना है, बस यूट्यूब पर जाना है, जिस भी टॉपिक पर आप सभी को बनाना है। तो आप सभी जैसे मैं सर्च करती हूँ एफिलिएट मार्केटिंग, तो आप सभी देख रहे हो यहाँ पर दिख रहा है एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग फॉर बिगिनर्स, एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स, एफिलिएट मार्केटिंग फुल कोर्स, एफिलिएट मार्केटिंग अमेज़न, एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट, एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग ट्यूटोरियल। तो ये कुछ ऐसे यूट्यूब के साइट से आप सभी को ट्रेंडिंग टॉपिक जो है दिख रहा है जिस पर आप सभी वीडियोस जो बना सकते हो। क्योंकि इसलिए ट्रेंडिंग है क्योंकि लोग ऐसे सारे टॉपिक जो है सर्च करते हैं। तो आपने जो भी अपने लिए नीश डिसाइड किया है उसके हिसाब से यहाँ पर सर्च कर लो, जो भी उसके उससे रिलेटेड ट्रेंडिंग कंटेंट है वो आप सभी को ऊपर दिखेगा। ये तो हो गया फर्स्ट प्लेटफॉर्म की आप सभी को यूट्यूब अपने साइट से सजेशन दे रहा है। अब बात करेंगे अपने सेकेंड मेथड के बारे में। तो सेकेंड है कि यूट्यूब कंटेंट। अगर आपने अपना चैनल बनाया है, वीडियोस डालनी स्टार्ट कर दी है, तो आप सभी के चैनल पर कमेंट्स भी आते होंगे। अगर कमेंट्स नहीं आते तो आप सभी अपनी वीडियो में खुद ही पूछ सकते हो कि आप सभी कौन से वीडियो पर नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हो। अगर कमेंट आता है तो उस पर ही वीडियोस बनाना चालू कर दो। ऐसे 80% चांसेस होते हैं कि अगर आप वैसे कमेंट वाले सेक्शन में जाकर उन रिलेटेड यानी सजेस्टेड वीडियोस पर अपना वीडियो बनाते हो, सजेस्टेड कंटेंट पर अगर अपना वीडियो बनाते हो, तो 80% चांसेस होते हैं कि आपका वीडियो वायरल होता है। क्योंकि वहां से आपके सब्सक्राइबर्स भी बढ़ेंगे, व्यूअर्स भी बढ़ेंगे, साथ ही साथ कमेंट भी बढ़ेगा। तो जैसे आप ये सारी चीजें फॉलो करते हो, ये बहुत ही आपके चैनल के लिए बेनिफिशियल पॉइंट होता है। एक आप इससे क्या करोगे कि आप अपने ऑडियंस से भी होता है ना कम्युनिकेट करते हो कमेंट सेक्शन के थ्रू, उनकी डिमांड पर आप सभी उनके रिक्वेस्ट पर आप अपने वीडियोस उनके अकॉर्डिंग बनाते हो, तो उनका भी इंटरेस्ट जागता है कि हाँ आगे इन सारे कंटेंट पर भी इनसे पूछना चाहिए, वीडियो बनाए। थर्ड बात करेंगे, आप सभी का अगर चैनल मोनेटाइज हो चुका है, 1000 सब्सक्राइबर है, 4000 घंटे पूरे हो चुके हैं यानी 4000 आवर्स वॉच टाइम आपका कंप्लीट हो चुका है, तो आप सभी के यूट्यूब चैनल पर कम्युनिटी पेज आता होगा। कम्युनिटी पेज पर भी आप सभी अक्सर अपने सवाल पूछ सकते हो कि आप सभी को नेक्स्ट वीडियोस कौन से टॉपिक पर देखनी है। वहां से भी क्या होता है कि आपके सब्सक्राइबर्स डेफिनेटली अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो कुछ ना कुछ कमेंट आता है, आप सभी वहां से भी एक टॉपिक पिक कर वीडियो बना सकते हो। उससे क्या है कि आपके चैनल पर एंगेजमेंट बनी रहेगी और जो डिमांड है लोगों की रिक्वेस्ट है वो भी पूरी होगी, लोग आपकी वीडियो को देखेंगे, व्यूअर्स भी बनेंगे, आपके चैनल का रीच भी अच्छा होगा। अब बात करेंगे एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जहां से आप सभी आसानी से रिसर्च कर सकते हो, वो है VidIQ या फिर TubeBuddy। तो आप सभी को क्या करना है कि मैं एक प्लेटफॉर्म बता देती हूँ, दोनों पे एक हफ्ते एक ही जैसा काम होता है। तो आप सभी को अपने प्ले स्टोर या फिर एप स्टोर से जाकर VidIQ बस डाउनलोड कर लेना है। तो एक बार मैं आप सभी को अपने एप स्टोर में दिखा देती हूँ VidIQ। तो आप सभी देख सकते हो कि VidIQ कुछ इस तरीके का है, मेरे फोन पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट इसको ओपन करूंगी और आप सभी को मैं दिखाऊंगी क्या करना है। तो इसका डैशबोर्ड कुछ इस तरीके का है। आप सभी को सिंपली यहाँ पर सर्च आइकन वाले बटन पर जाना है, रिसर्च पे जाना है। यहाँ आप सभी को मान लो ये तो चलो ठीक है, मैं इसी को दिखाती हूँ।
डिजिटल मार्केटिंग जैसे हमने सर्च किया तो आप देख सकते हो कि इसका सारा स्टैटिक्स आपके सामने आ चुका है कि कितने इसका वॉल्यूम कितना है, कंपटीशन क्या है, और ऐसे टॉप चैनल्स भी दिख रहे हैं आप सभी को सामने की जिन्होंने सर्च किया है। इसके बाद आप सभी को व्यू और रिलेटेड कीवर्ड्स पे जाएंगे, तो इसके साथ रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स है वो आप सभी को देख रहे हैं। ओवरऑल जितने भी रिलेटेड कीवर्ड्स है वो सारे यहाँ से आप सभी को ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप डेली आइडियाज पे जाओगे तो ये सारी चीजें भी यहाँ पर दिखती हैं, लेकिन हम फिलहाल यहीं पे देखते हैं। अब ट्रेंडिंग वीडियोस पे हम लोग क्लिक करते हैं। यहाँ पर कुछ आप सभी को कीवर्ड्स रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग दिख रहा होगा। यहाँ आप सभी डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये सारी चीजें दिख रही है। यहाँ से व्यू और रिलेटेड कीवर्ड्स भी देख सकते हो, तो इनमें से पिक करके आप सभी एक टॉपिक पर अपना वीडियो बना सकते हो, वॉट एवर आपका नीच कोई भी हो। फॉर एन एग्जाम्पल वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, मार्केटिंग भी मैं दिखा देती हूँ। देख सकते हो कि ओवरऑल स्कोर जो है आप सभी को वो भी दिख रहा है अफिलिएट मार्केटिंग का 71/100 है। वॉल्यूम कंपटीशन दिख रहा है, टॉप चैनल्स फॉर द सर्च टर्म भी आपको दिख रहा है। यहाँ पर आपके सारे कॉम्पिटिटर्स भी आपको दिखेंगे जिन्होंने इस पर सर्च किया या वीडियो बना रखी है। यहाँ पर कीवर्ड्स भी आ रहे हैं, एक बार आप सभी को वापस से यूट्यूब पर लेकर चलेंगे। मैंने जैसे वहां पर अफिलिएट मार्केटिंग आप सभी को दिखाया था, अब यहाँ पर देख लेते हैं सिंपली कुछ रेसिपी का डालते हैं। चिकन रेसिपी आ गया, चिकन बिरयानी आ गया, चिकन मार्केटिंग, चिकन करी, चिकन बिरयानी रेसिपी। तो आप सभी अगर ऐसे कुछ व्लॉग बनाते हो या फिर आप सभी का कुकिंग चैनल है तो यहाँ से भी आइडियाज डायरेक्ट यूट्यूब से या फिर विद आईक्यू से ले सकते हो। अब बताएंगे आप सभी को अगले प्लेटफॉर्म के बारे में। आप सभी को पता है कि YouTube ऑब्वियसली गूगल से रिलेटेड है, गूगल का ही पार्ट है। तो आप सभी को क्या करना है, जस्ट अपने फोन पर जाना है या फिर अगर डेस्कटॉप है तभी उस पर भी सर्च कर सकते हो। आप सभी को जाना है वहां पर और सर्च करना है गूगल ट्रेंड। तो अब हमारा जो अगला प्लेटफॉर्म है वो है गूगल ट्रेंड। जैसा कि आप सभी को पता है कि YouTube भी गूगल का पार्ट है, तो आप सभी को सिंपली अपने ब्राउजर पर जाकर गूगल ट्रेंड्स जो है सर्च करना है। आप सभी को सबसे ऊपर में ही दिखेगा गूगल ट्रेंड्स, इस पर जाकर क्लिक करना है। जैसे आप सभी को क्लिक करोगे तो यहाँ देखोगे कि आप सभी को सर्च आइकन दिख रहा है। यहाँ से आप सभी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से अपना टॉपिक सर्च कर सकते हो। जैसे टॉपिक आप सभी सर्च करोगे, जैसे मैं यहाँ पर एफिलिएट मार्केटिंग सर्च करके दिखा देती हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग। अब यहाँ से सारा स्टैटिक्स आप सभी के सामने आ जाएगा, ऑल ओवर कितना इंटरेस्ट है, ओवर टाइम, इंटरेस्ट बाय सब रीजन, रीजन के हिसाब से आ जाएगा। रिलेटेड टॉपिक्स भी आ जाएंगे यहाँ पर आप सभी के सामने, रिलेटेड क्वेरीज भी आ जाएगी। आप सभी चाहो तो यहाँ पर यूट्यूब सर्च के हिसाब से भी गूगल ट्रेंड पर सर्च कर सकते हो। तो ये तो हो गया गूगल ट्रेंड प्लेटफॉर्म। एक प्लेटफॉर्म और है YT स्टूडियो, मैंने शायद पहले भी मेंशन किया, नहीं किया तो आप सभी को बता देती हूँ। आप सभी को जस्ट सिंपली इसको यहाँ से डाउनलोड करना है YT स्टूडियो। तो आप सभी के फोन पर जैसे ही YT स्टूडियो डाउनलोड हो जाता है, आप सभी को वहां से अपनी एक वीडियो सेलेक्ट करनी है। लॉग इन करने के बाद YT स्टूडियो पर लॉग इन कर लेना, एक वीडियो जो रिसेंटली पोस्ट की होगी उस पर क्लिक कर लेना और ओवरव्यू में जाना। ओवरव्यू के बाद आप सभी को रीच वाले सेक्शन पे आना है। रीच वाले सेक्शन पे आओगे तो आप सभी को कंटेंट सजेस्टिंग दिस वीडियो दिख जाएगा। यहाँ पर आप सभी जो भी कंटेंट सजेस्ट कर रहा है उसके हिसाब से भी अपने टॉपिक लेकर उस पर वीडियोस बना सकते हैं। इसकी आप सभी को ये सारे इन्फॉर्मेशन, सारे टिप्स बहुत अच्छे लगे होंगे। आप सभी इसको इम्प्लीमेंट करो ताकि आप सभी की वीडियो जो है वायरल हो सके। सारे ट्रेंडिंग टॉपिक पिक करो। मैंने आपको ऐसे कई सारे पॉइंट बताए हैं, कई सारे प्लेटफॉर्म बताए हैं जिसके थ्रू आप सभी अपने वीडियो को वायरल कर सकते हो, ट्रेंडिंग टॉपिक जो है पिक करके अपना कंटेंट बना सकते हो, अपने लिए एक नीश, कई सारे नीश जनरेट कर सकते हो कि हाँ आज ये बनाना है, कल ये बनाना है। तो अगर कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप सभी की हेल्प कर सकूं। साथ ही अगर मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि आप सभी को यूट्यूब से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब बात करेंगे वैसे लोगों के लिए जो लोग डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं लेकिन फिर भी कंफ्यूज है, उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक ड्रॉप किया है, तो आप सभी जाकर अभी चेक करना। जैसे ही चेक करोगे आप सभी को दिखेगा कि आप सभी को 5 दिनों का फ्री डिजिटल मार्केटिंग का डेमो क्लास बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। तो देर किस बात की, चलो जल्दी करो, जाओ अपने आप को रजिस्टर करो 5 दिनों के फ्री डिजिटल मार्केटिंग के डेमो क्लास के लिए। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर यू ऑल, बाय।